डीएम को सस्पेंड कराने वाला विधायक हूं, याद रखना। औचक निरीक्षण पर पहुंचे विधायक फार्मासिस्ट पर भड़के और कहा, 1 रुपये ज्यादा कैसे ले लिया तूने। खबर महाराजगंज से है, जहां पर मिठौरा ब्लॉक के जगदौर सीएससी में सोमवार को विधायक के औचक निरीक्षण में खलबली मचा दी। एमएलए वहां फुल फॉर्म में नजर आए, उन्होंने एक फार्मासिस्ट को धमकाया। विधायक उसका कारनामा देखकर बौखला गए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। विधायक प्रेम सागर पटेल की इस नाराजगी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फार्मासिस्ट की ओर से एक पर्ची के लिए 1 की जगह 2 रुपये लिए जाने को लेकर विधायक उस पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैं डीएम को सस्पेंड करने वाला विधायक हूँ, याद रखना, कलम रख दिया तो निपटारा हो जाएगा। वीडियो में विधायक फार्मासिस्ट पर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 रुपये ज़्यादा कैसे ले लिया तूने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से, इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, बता रहे हैं यही जनता तुमको पीटेगी। ऐसे ही एक डीएम थे, मैंने उनको सस्पेंड करा के दम लिया, मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रख दिया तो निपटारा हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अब विधायक जी से मेरा यहाँ पर सवाल है कि विधायक जी, एक फार्मासिस्ट पर आप इस तरह से भड़क रहे हैं, काश आप SDM, तहसीलदार, कानून गो, बड़े बड़े उन अधिकारियों पर भड़कते जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप भड़कना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार तो कम होगा ही, बल्कि आपको पदोन्नति भी मिलेगी, क्योंकि छोटे लोगों को हड़काना आसान है और बड़े लोगों के सामने लोग गूंगे हो जाते हैं। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पैसा नहीं, पैसा तुम 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं, इन्हीं यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गए हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया, मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा, लिख दिया। बसवार, रामानंद बसवार, इनका 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 मुझे, आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है, तुरंत भगाइए इसको इस काउंटर से, दूसरे को लगाओ पीपी, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर बड़ा दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं होगा, तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। कहना तुम्हारा हीरामन ना है, तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है, अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फिर से तुम रेफर करते हो। देखो हम गाँव के हैं, हम गरीबी से आए, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है, हमको मत चलाओ ना पढ़ाओ, मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो, अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपया 50 रुपया तुमको देता होगा। जो हमारी देख लो हमारे नाक के सामने ये भ्रष्टाचार, सुनो पहले, हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद, तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, हम बता 1 रुपया अगर लिए तो 1000 नहीं 10000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। बाहर क्यों भेजती हो, यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर, क्यों लिखती हो रेफर, लिखो कारण, इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है, मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है, तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो, अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग, तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में आप लोग, कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है,